एक्सेल में आज हम रिव्यू के बाद व्यू पढ़ेंगे, ठीक है। व्यू के अंदर व्यू मेन्यू बार में हमने उसके व्यू की सेटिंग करनी होती है कि आप अपनी जो आपके पास ये शीट ओपन है इसको किस तरह व्यू देना है और किस तरह उस व्यू में वो नजर आएगी, ठीक है। व्यू मीन्स उसके जो डिस्प्ले है वो नॉर्मल में ये नॉर्मल शीट व्यू कर रही है, जब इसे आप पेज लेआउट व्यू में करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी, मतलब पेज लेआउट व्यू में ये इस तरह का व्यू आ गया। यस और जितने जितने पेज हैं उतनी उतनी शीट उस तरह से होगी। वैसे नॉर्मल में फुल शीट आपके पास शो हो रही थी और ये डॉटेड लाइन ये शो कर रही है कि ये प्रिंट जो होगा इधर तक आएगा, प्रिंटेड एरिया इस पेज का, फिर वो नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो जाएगा। पेज ब्रेक पर व्यू ये होता है कि आपके पास जो टेक्स्ट है ना जी, इसे हटा सकते हैं। हाँ ये हट जाता है, इसे सेव कर दोबारा ओपन करेंगे ये हट जाएगा। ये वैसे आपको बताता है कि आपका प्रिंट कहाँ तक आता है, ग्रिड लाइन है ना। पेज ब्रेक पर व्यू ये होता है आप जब इस पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो जो डेटा होगा ना आपका, जितना डेटा होगा सिर्फ उसका ही व्यू बताएगा, तो इसको इसलिए पेज ब्रेक प्रीव्यू कहते हैं, ठीक। और कस्टम में ये है कि आप जो व्यू ऐड करते हो, चाहे ये व्यू ऐड किया या बड़े पेज का ऐड किया, उसको एक नाम दे देते हो व्यू को, जो व्यू आप सेट करते हो उसको नाम देते हो, उसको ऐड करते हो, नॉर्मल में जाते हो वो ये व्यू था, कस्टम में जब अगेन आगे शो करोगे तो वो स्मॉल व्यू नज़र आ रहा है आप। फुल स्क्रीन में ये पूरी फुल स्क्रीन आपको नजर आएगी। एस्केप का बटन प्रेस करें एस्केप से, ठीक है, वो क्लियर होगी। फिर ये जो ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन पीछे जो ग्रिड लाइन है ना इस तरह सेल की, इनकी बात हो रही है, इनको हटा भी सकते हैं आप, शो भी कर सकते हैं रूलर ऑलरेडी। फार्मूला बार, ये फार्मूला बार पूरा दिया हुआ था तो ये भी शो या हाइड कर सकते हैं। एडर, ये एडर जो ए बी सी कॉलम और ये थे, जूम में आप इसको बड़ा कर सकते हैं, 200 पे करें और बड़ा हो गया, 100 नॉर्मल है और बड़ा करें 400 पे। नई विंडो ले लें, नया पेज लेते हैं तो डॉक्यूमेंट आती है ना, तो यहाँ पे बुक वन ऑफ वन है, अब बुक वन ऑफ टू है, एक नई विंडो है, फिर उनको अरेंज कर सकते हैं आप। अरेंज में उसको टाइल्ड अरेंज किया तो इस तरह अरेंज हुए, इसी तरह आपने जब इसे अरेंज ऑर्जेंटली किया तो ऑर्जेंटल में इस तरह अरेंज होगी, ठीक है। और इसी तरह आपने जब अरेंज से वर्टिकल किया तो इस तरह वर्टिकल अरेंज होगी, फिर इसी तरह कैस्केड में इस तरह अरेंजमेंट होती है, तो ये आपने जिस तरह भी इसकी अरेंजमेंट देनी है वो दे सकते हैं। फ्रीज पैन, फ्रीज पैन ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई शीट बनाई, ठीक है, अब शीट में कोई ना कोई जो है वो क्या होती है कि ऊपर टॉप रोज पे हेडिंग्स वगैरह होती है ना कोई, फॉर एग्जांपल ये आपकी शीट है तो इसमें ऊपर पहले लिखा था नेम, फिर फादर नेम, ठीक है, इसी तरह क्लास सेक्शन ये वो जो भी डेटा है आपको पुट कर दें, ठीक है। यस, अब ये सारा डेटा आपने पुट किया तो उसके बाद अब आप नीचे जो जो डेटा फिल करते जाएंगे, नीचे जो जो जाते जाएंगे, पूरी हेडिंग ऊपर वाली गायब हो जाएगी ना, पहली रो हाइड हो जाएगी क्योंकि नीचे पेज आता जाएगा या उस तरफ जाएंगे, तो आपने उसे रोकना है। उसके लिए फिर फ्रीज पैन का ऑप्शन इस्तेमाल होता है। फ्रीज पैन में सबसे पहले है फ्रीज टॉप रो, जो आपकी ये टॉप रो है इसको फ्रीज करना है आपने, तो ये आपकी फ्रीज होगी, ठीक है। और अनफ्रीज में ये फ्रीज खत्म हो जाता है। फ्रीज टॉप कॉलम, फर्स्ट कॉलम में इस तरफ जाएं तो फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो गया, अनफ्रीज में ये फ्रीजिंग खत्म हो जाए। लेकिन एक से ज्यादा रो और कॉलम भी तो आपको फ्रीज करने पड़ सकती है ना, तो अब मुझे दो कॉलम चाहिए मैं यहाँ पे आ गया, और साथ में दो रो भी चाहिए तो मैं तीसरी रो पे आ गया, फिर ये पहली ऑप्शन फ्रीज पैन का। अब देखें दो कॉलम और दो रो
फ्रीज हो गई है, तो अनफ्रीज में जो है वो फ्रीज खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्प्लिट ये ना आप शीट को चार हिस्सों में फैला दें, होती है कि शीट है चार हिस्से बन गए हैं, स्प्लिट व्यू एक होता है। ठीक है, शीट वही होती है। फिर हाइट में ये है कि शीट को आप हाइट कर सकते हैं, अनहाइट में शीट को अनहाइट कर दें आप। सेव वर्क स्पेस में ये है कि आप अपनी पूरी होल वर्क स्पेस को सेव कर लें, जिस पे जितनी भी शीटें हैं या जितनी भी विंडोज़ ओपन है। देखिए ये दो विंडोज़ हैं ना, अब मैं सेव वर्क स्पेस करता हूँ और इसे मैं माई डॉक्यूमेंट में रिज्यूम के नाम से सेव कर देता हूँ, यस कर देता हूँ। ये पहले वाली को पूछ रहा है कि उसे आपने सेव करना है या नहीं। ठीक है, अब मैंने इसे सेव किया, इसे भी सेव कर देता हूँ। अब जब मैं माई डॉक्यूमेंट में आके ये वर्क स्पेस रिज्यूम के नाम से जब इसे मैंने ओपन किया, तो ये देखें ये भी वर्कबुक खुली, ये भी खुली, दो वर्कशीटें ओपन होगी, पूरी वर्कबुक शीटों से मिलके बनती है ना। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है स्विच, बुक वन पे जाना है या टू पे जाना है तो वो चले जाए। और लास्ट ऑप्शन मैक्रो की है, मैक्रो वर्ड में देखे थे उसी तरह यहाँ पे भी रिकॉर्ड मैक्रो पे जाए, एक शार्ट की दे दें, मैं कंट्रोल वाई दे देता हूँ, ओके करता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो भी पुट करूँगा, जो भी लिखूँगा वो रिकॉर्ड होता जाएगा जब तक कि मैं इसे स्टॉप नहीं करूँगा। स्टॉप कर दिया, अब जब भी मैं कंट्रोल वाई प्रेस करूँगा मेरे पास ये लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे ये देखें मैंने ख़त्म किया है, कंट्रोल वाई करूँगा उसी कॉलम में उसी तरह लिखा हुआ आ जाएगा। दूसरी जगह शीट के अंदर डिफरेंट शीट्स में आ सकता है, लेकिन ये एक ही जगह मतलब करता है ना, एक ही जो उसकी रिकॉर्ड जहाँ पे एक ही जगह पे हुए हुए वहाँ पे ही होता है। ठीक है, अगर हम इसे नया पेज भी लें, ठीक है, एक्सेल की नई शीट भी लें, तो उसके अंदर कंट्रोल वाई करें, ठीक है, अब तो इसमें अब अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि वो उस शीट पे अप्लाई हुआ था मैक्रो को घुमा, इसमें व्यू मैक्रो में यहाँ पे है ही नहीं उसकी डिटेल, तो जस्ट वो शीट जब तक आपके ओपन है से उसके ऊपर अप्लाई हुआ हुआ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने एमएस एक्सेल का व्यू का मेन्यू बार स्टडी किया। अब आप एक्सेल कंप्लीट है, ठीक है, अब इसके एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे, तो फिर नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा जो होगा वो पावर पॉइंट का होगा नेक्स्ट क्लास में।